बढ़िया जाइए। दिलीप भैया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, हमको रायपुर में रोक लेंगे, मन कर रहा है। दिलीप आज गाड़ी सर्विसिंग में देना है और हेडलाइट का है वो बस्तर से आने के बाद ये पूरा ना वो ये पूरा हिल गया है थोड़ा सा, इसको देना है। तो आज पाजी है अपने साथ और गाड़ी सर्विसिंग में देने जा रहे हैं इसको, मिलते हैं शोरूम में। चलो और अपन चल रहे हैं अपने निंजा में। हालांकि ये भी गाड़ी ठीक है, हिमालयन ऑफ रोडिंग के लिए तो एक नंबर गाड़ी है। मतलब अगर उसको 80-90 की स्पीड में क्रूज किया जाए आराम से चलती है। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें यह है कि गड्ढे वड्ढे का कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब कितना भी बड़ा गड्ढा आ जाए या कितना भी मतलब रास्ते में रास्ता ख़राब भी आ जाए वो ऐसा स्मूथली निकलता है कि आपको पता भी नहीं चलता, ना जर्किंग आता बॉडी में। एक ही ड्रॉबैक है उसमें पावर का, पावर थोड़ा सा 650 सीसी और 40 बीएचपी के आसपास दे दे तो फिर इसका तोड़ नहीं है। पावर के नाम से ये गाड़ी थोड़ा सा पीछे है, बाकी गाड़ी में सस्पेंशन बोलो, हैंडलिंग बोलो, कंफर्टेबल सीट बोलो, सब चीज़ बेहतर है। तो गाड़ी सर्विसिंग देने के बाद अगर अपन चलेंगे चिंतामणि भैया से मिलने, जो कि बस्तर से आ चुके हैं। मैं आया था एक दिन पहले और भैया लोकल 12 बजे रात को पहुँचे हैं और भैया के साथ है उनके दोस्त जितेंद्र भैया और बोकारो से आए हैं हमारे दिलीप भैया, जिनके पेड़े खाते हैं हम लोग, तो उनसे भी मिलना है। वो निकल जाएंगे, आज ही निकल जाएंगे बोल रहे थे, तो मिलाता हूँ उनसे, एक आध घंटे में निकल जाएंगे बोल रहे थे। क्या है जितेंद्र भैया को छोड़ते हुए वह वापस बोकारो निकलेंगे वहाँ से। अभिया ये 13 लाख का है, ठीक है। तो पब्लिक में खड़ा होने से लोग पूछते हैं कि कितने के लिए है गाड़ी, और साउंड सुन के लोग इधर उधर हड़ाते हैं कि मतलब क्या आ गया फट से गली में। तो ये तो होता ही है सुपर बाइक के साथ, इनलाइन 4 का मज़ा है ये पब्लिक रिएक्शन है। क्या है जब तक मेरे पास नहीं था मैं भी साउंड सुन के पीछा करता था, या कभी अगर गली से गुजर गया और मेरे सामने से कभी कोई गुजरा गया तो होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, पूछता था उससे कैसा है क्या है। तो सपने देखना चाहिए, हकीकत होता है सपने पूरे होंगे सबके, जिसको भी जो भी सपने हैं देखना चाहिए कि आप, और उसके लिए काम करना चाहिए आपको कैसे पूरे करोगे, है ना। जैसे ऐसी प्रोजेक्ट लगाया हो ना तो गाड़ी का साउंड बढ़ गया है। एक कल के वीडियो में आप साउंड भी सुने होंगे, आज भी एक बार सुना दूंगा आपको। लेकिन खून पीती है भाई, खून एवरेज 12-13 का है। हाथ सेट होने में भी टाइम लगेगा, एवरेज उसमें बढ़ता है कैसे चलाते हो, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, कब कितना खींचना है,
कैसा खींचना है। तो अपन अभी कैनाल रिंगिंग रोड पे है, बस पहुंचने वाले हैं। पाजी हमारे पीछे है। तो पहुंच गया है बसंत मोटर। मेरा वीडियो हाँ। चिंतामणि के साथ साथ हाँ। कि मेरा अलग से नहीं, आप तो भी अलग से देखता हूँ, उनका भी देखता हूँ। थैंक यू। बाइक से मैं देखा था, वहाँ से लाए थे ना, अंबिकापुर से। कहाँ? रायपुर में रहते हो? हाँ, मैं रायपुर में रहता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया। अभी कहाँ? मैंने मैं रायपुर में, मेरा घर है वहाँ से मुंबई का, तो मैं आना जाना करूँ। ऐसा है क्या? अभी यहाँ कहाँ? अभी यहाँ मैं अपने घर डाला। मतलब वापस आए क्या देख के? हाँ, तो मुझे वापस डाला। नहीं, अभी मेरे को देख के वापस आए। आपको देखा ना, पाइप देखा, फिर आपको देखा ना, जो आप उनके घर में पता नहीं लाने चाहते ना, तो आप तो पहुँच ही आज का मेरे मैं जान गया। चलो मिलते हैं। ओ, ये हमारे सब्सक्राइबर थे और चिंतामणि भैया के थ्रू ये हमारा गाड़ी शोरूम के अंदर घुस चुका है। सैनिटाइज करोगे? कलर डाल दिया क्या भाई? हाँ, ये हमारे काशी भैया है, काशी भैया। गाड़ी का वाट लग गया है पूरा, आवाज कर रहा है इधर उधर से। हाँ काशी भैया, आप वीडियो में हो, झूठ नहीं बोल सकते। ये हमारे काशी भैया। हाँ, गाड़ी का पूरा देख रहे, यही भैया करते हैं, यही करते हैं हमारे। आवाज़ कर रहे ना बहुत सामने से, बहुत गंदा आवाज़। चालू करो ना, समझ में आ जाएगा। अभी पहले चलाने से पहले चेक करना चला के। काशी भैया कैसा लगा साउंड? एक नंबर। गाड़ी भी तो निंजा है भैया, निंजा का साउंड रहेगा क्या? ये लिखा है। तो आप शाम को फोन करोगे? बताइयो आपको मेरा भैया शाम को पार्टी बन रहा है। नहीं, ये वीडियो में है तू। तो काशी भैया गाड़ी छोड़े हमने और शाम को दोगे ना पक्का? पहले अच्छे चला के अपने सेटिस्फाई होगा तो ही देना है। तो अभी हम, मैं और पाजी जा रहे हैं चिंतामणि भैया से मिलने। ये हमारे नागू सर है, मलय सर, हिमांशु सर। सर मिलते हैं फिर। तो अभी आपको जिन तीनों से मिलवाया मैंने, वो गुरदीप भाई के दोस्त है, हमारे पाजी के दोस्त। वहाँ से निकलने के बाद मैंने पाजी को छोड़ा उनके घर, और चिंतामणि भैया का फ़ोन आया था कि वो बलवीर ढाबा पहुँच रहे, ढाबे में लंच करेंगे। लंच करने के बाद जितेंद्र भैया और दिलीप भैया निकलेंगे अपने मंजिल की, और वहाँ से सीधा निकलेंगे। जितेंद्र भैया को ड्रॉप करके फिर बोकारो जाएंगे। तो मिलते हैं ढाबे में, सब शायद पहुँच गया है। जितेंद्र भैया का चिंतामणि भैया का फ़ोन आया था अभी कि अगले 10 मिनट में पहुँच जाएंगे करके, तो बस मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। चलिए चल के मिलते हैं। सिटी में चलाना मुश्किल है गाड़ी को, इतना हीट मारता है, और सिटी के हिसाब से एवरेज भी 10-11 का आता है। हाईवे के लिए गाड़ी बना है, बहुत
हीट है सिटी में, दोनों पैर की तरफ से एकदम हीट ही हीट मार रहा है। तो आपसे बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं वीआईपी चौक के आगे मैग्नेटो मॉल के आगे आपका बलवीर ढाबा। भैया लोग शायद पहुंच ही गए होंगे, 5 मिनट में अपन भी पहुंचने वाले। ये हमारे चिंतामणि भैया, जितेंद्र भैया और दिलीप भैया, भैया लोगों का नमस्कार। तो लंच हो चुका है सबका, और तो ये दिलीप भैया हमारे बोकारो से, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, कई दिनों से तड़प रहे हैं कुछ कहने के लिए आपके बारे में। तो हमारे भैया के बारे में इतना ही कहना है कि इतनी बड़ी बॉडी, मतलब कि बजरंग बली गदाधारी टाइप की बॉडी और इतना नरम दिल, ये कैसे संभव हुआ? नारियल तो ये हमारे जितेंद्र भैया है जो सिर्फ हेलमेट लगा रहे थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव के लिए, और इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे। जितेंद्र भैया तैयार हो गए हैं राइड के लिए। ये भैया पहली बार सुपर बाइक है, पहला एक्सपीरियंस, गुड। आराम से करते पूछते इनसे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा भैया एक्सपीरियंस? तबाही, खतरनाक। कितना तक हुआ है? 140। और नहीं मांग रहा था, और मांग रहा था लेकिन ट्रैफिक था इस वजह से, नहीं तो आग है गाड़ी। 140 या 30 की कुछ नहीं यार, एकदम मतलब 140 हाई है, लेकिन इसके सामने इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था गाड़ी को। कंट्रोलिंग कैसा था? कंट्रोलिंग जबरदस्त एकदम, और ऊपर से सबसे बड़ा चीज कंफर्टेबल है, भयंकर कंफर्टेबल। अरे मेरे आर आर फिटिंग से ज्यादा कंफर्टेबल है, और दूसरी चीज आदमी को डराता नहीं है, डराता नहीं है एकदम बड़े प्रेम से स्पीड मेंटेन करके ले गई गाड़ी। वही है, बस डराता नहीं है ना भैया। मिलेंगे ना? एकदम मिलेंगे भैया, अब तो मिलना ही पड़ेगा। तो दिलीप भैया और जितेंद्र भैया यहाँ से निकल रहे हैं अपने सफर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिलीप भैया मिस करूँगा आपको, जितेंद्र भैया अपन मिलेंगे बहुत जल्द, और मैं और चिंतामणि भैया चलेंगे गोलू से मिलने। गोलू को भी आज दिखाना है ना सुपर बाइक। आपको तो बढ़िया चाहिए। दिलीप भैया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, हमको रायपुर में रोक लेंगे, मन कर रहा है। दिलीप भाई हाँ भैया, हंसते खुलते हंसी खुशी अच्छे मन से जाइएगा ना। तो हमारे मेहमान जो थे निकल रहे हैं बस्टर ट्रिप के बाद, ये यहाँ से 6-7 घंटे का सफ़र है जितेंद्र भैया घर, वहाँ पर स्टे होगा, उसके बाद वहाँ से कल का सफ़र रहेगा अकेले दिलीप भैया के लिए बोकारो। तो हम लोग अभी चिंतामणि सर के घर पे पहुँच चुके हैं, और गोलू बहुत एक्साइटेड है गाड़ी देख के, गाड़ी का साउंड में नाचना चालू कर दिया वो। कैसा है गोलू?
कैसा साउंड? अरे दूर से ही पता चल गया था। दूर से? तो आज शाम को गोलू राइड किया इसमें, और गोलू को बहुत पसंद आया मिर्जा। तो इसके बाद मैं निकला हूँ अपने घर के लिए। आपको, आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।